मेरी चाहत। बादशाह अकबर के राज्य में एक महा कंजूस था। मिट्टी और घास से बने हुए छोटे मकान में वह रहता था। एक दिन अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग आग, बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी झोपड़ी में आग लग गई है। उसकी चीख सुनकर गाँव वाले पानी की बाल्टियाँ ले आए और उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर आग बढ़ती ही जा रही थी। कंजूस डर कर जोर जोर से रोने लगा। तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? केवल घास फूस की एक झोपड़ी ही तो थी। भाई साहब, आपको नहीं पता, उस झोपड़ी में मेरे जन्म भर की कमाई है। झोपड़ी में रखे चूल्हे के पास कोने में जमीन के नीचे हीरे और सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा है। घबराओ मत, मैं इस आग में कूदकर वो बक्सा ले आऊंगा, पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि उस बक्से में से मैं जो चाहूंगा वो तुम्हें दूंगा, बाकी सब मैं रख लूंगा। ठीक है ठीक है, मैं वादा करता हूँ, देर होने से पहले जल्दी जाओ। सुनार आग की झोपड़ी में कूद पड़ा। जल्दी सुनार बक्सा लेकर बाहर आया। उसके हाथ पर जलने के निशान थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कंजूस वह बक्सा लेने आगे बढ़ा। ठहरो, मैंने कहा था जो मैं चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। ये लो, मैं ये बक्सा तुम्हें देता हूँ, हीरे और सोने के सिक्के मेरे। खाली बक्सा सुनार ने कंजूस को दे दिया। अरे यह तो नाइंसाफी है, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए तुम मेरी आधी कमाई ले सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता, वादा तो वादा होता है, मैंने जो चाहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया था। यह बहस कुछ देर तक चलती रही। आखिर दोनों ने न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास जाने का फैसला किया। बिरबल ने उनकी परेशानी सुनी। ठीक है सुनार, तुम क्या चाहते हो? हीरे और सोने के सिक्के जनाब। तुम्हारे वादे के अनुसार हीरे और सोने के सिक्के कंजूस के हुए, क्योंकि तुमने वादा किया था कि जो तुम चाहते हो वही कंजूस को मिलेगा। सुनार को एहसास हुआ कि वह अपनी ही बात में फंस गया था और बिरबल ने उसी के शब्दों में उसे फंसाया था। वह इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता था। कंजूस ने बिरबल का शुक्रिया अदा किया और खुशी से वह अपनी सब कमाई लेकर चला गया।